अरे ऐसे ही डालो, अरे तुम ऐसे, अरे तुम ऐसे ही डालो ना यार सब्जी। भर दोगे मैं जानता हूँ ना। अरे यार ठीक ठीक चुप, तो गौशाला से दूध लेके आ रहे हैं हम, तो ला चुके हैं दूध। हम आए थे अभी गौशाला में दूध लेने, तो ले चुके हैं दूध, तो चलते हैं अब सीधे रूम में। ये है चाची जी पीछे और मामी, चंदू की मामी। नहाया तो मैंने भी नहीं है, मैं भी कर लेता हूँ नाश्ता यार। योगेश सिंह तो जाएगा ड्यूटी, टाइसन सोया है अभी, चंदुल नगर नाश्ता है। अच्छा अच्छा, नाश्ते में है काफली चना काफली चने की सब्जी है, और यह है चटनी, घी है, आम की चटनी और रोटी। तो कर लेते हैं नाश्ता। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 9:15, तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ, नाश्ता हो चुका है, तो करते हैं दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ। कौन सा बिस्कुट का? और ये घर दिखा रहा हूँ अभी आपको ना, ऊपर की जो फ्लोर है वो किराए पे लगे हुए हैं, पूरा घर एक साथ दिखा रहा हूँ अभी आपको। करण अपना नाम, पूरा नाम बता। हेलो करण दपोला। ये है चंदू के मामा का लड़का, किराए में रहते हैं लोग। ये है मेन गेट, ये देखिए सामने की जगह, पार्किंग एरिया। चलते हैं अब, टाइसन सोया है अभी, पार्ट नंबर तैयार। ये हम लोग हो चुके हैं ड्राइंग रूम में एंटर। लाइट जला दूं? ये लाइट जला चुका है चंदन। ये है लॉबी, ये है बेडरूम, हाँ ये है बाथरूम, ये है चाची जी कपड़े धो रहे हैं चाची जी के। ये है टॉयलेट बाथरूम, फिर हमारे इस रूम में मंदिर और कमरा, फिर से लॉबी में। चंदू की मामी जी यहीं पे किराए में रहती हैं, आस पड़ोस में। अब चलते हैं हम किचन में, ये है किचन। तो आज खाने में है, आज खाने में है कड़ी, कड़ी आलू तुरोई की सब्जी, अच्छा पकौड़ी, पकौड़ी और ठंडा पानी, और ठंडा पानी साथ में, और हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च, हरी मिर्च का बेसन के साथ। तू भी यहीं पे आ गए खाने के लिए? वहाँ खा रहा है, बिस्तर में नहीं खाता यार खाना। ये हमारा नियम है ना, वैसे हमारे वहाँ बोलते हैं कि बिस्तर में नहीं खाते खाना, इसीलिए क्यों। और कितने ऑर्डर होगी फिर डिलीवर आज? 20। एक्चुअली मैंने बताया नहीं था, ये ब्रदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, मतलब खुद की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है। आज 20 ऑर्डर मतलब डिलीवर हो गया ना, चलो अच्छी बात है। कल के पेंडिंग मिथिस है ना, कल हो नहीं पाएगा, योगेश गया ड्यूटी अभी, वो आएगा 10 बजे। योगेश चाचा जी तो आपको पता है आर्मी वाले हुई हो, 3-4 महीने के बाद ही आएंगे छुट्टी हो, उनसे भी मिलवाऊंगा कभी, मुलाकात होगी तो। ठंडा पानी इधर है, ना ना छोटा वाला हो ना, नन बोतल में खाली वाले का, नन में थोड़ा खाली। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ की मंडी में, लखनऊ के मार्केट में, ठीक है। तो चंदू मुझे लेके जा रहा है, कजन ब्रदर, तो देखते हैं कहाँ कहाँ वो मुझे आज घुमाता है। ये फर्स्ट डे है, मतलब आज मैं लखनऊ की मार्केट में जाऊँगा, उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट डे का प्लान। मुझे पता है नहीं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। ये पानी लेके जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट हमें टाइम टू टाइम होगी। 10-10 मिनट में जो है प्यास लग जा रही है, जिसकी वजह से ना मतलब कुल मिला के बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जल्दी पी लेना, गर्म हो जाएगा, खरीद लेना। सब हटा देंगे, ये देखिए इतना स्पेस इधर है, कितनी ज्यादा हो गई। ये क्या लगा के दिया इन्होंने? ये देखिए लाइट है नहीं अभी, अभी जस्ट लाइट गई है। और टाइसन को देखिए, इतनी गर्मी इसको हो रही है, मतलब जमीन खोद दी इसने, देखिए। बस
दर्शन कर लो सी टबर खोपड़ी वाला सूखे देखे गर्मी से यार चमड़ी सूख रही हाँ ठंडा है भैया सूखे देखिए जय हो चलो ठीक सुबह घंटे पानी सीखते हैं वर्ल्ड का नंबर एक स्कूल नहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल ये है स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बच्चे भी ज्यादा होंगे इधर और टीचर्स भी ज्यादा होंगे ना 50,000 बच्चे और 10,000 टीचर तो इस स्कूल में 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं और 10,000 टीचर्स यहाँ पे कार्यरत है गूगल पे सर्च कर सकते हैं गिनीज बुक में इस स्कूल का नाम जो है रिकॉर्ड है ठीक है तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट पे तो वहाँ का जो है मैं दिखाऊंगा आपको बस आपका इतना कसा काम है कि आपको बने रहना है वीडियो के साथ अच्छा ये है ना 5-star होटल मैरियट द मैरियट अच्छा होटल है यार दस का क्या कर दिया क्या है रिवर फ्रंट का प्रवेश शुल्क है 10 रुपये क्या चीज है चना जोर गरम है भेलपुरी है भेलपुरी अच्छा बना दो कितने का भेलपुरी 30 की 30 के ज्यादा बोल लो यार 20 की बना दो नहीं 20 की बना दो पेट भरा हुआ है वो खाने वाला नहीं है खाने वाला नहीं बर्बाद वेस्ट हो जाएगा ना फायदा नहीं है ये है कौन सी ज्यादा है 20 की बना दो बस वेस्ट हो जाएगा ना खाली फायदा क्या है आइए भाई बेलपुरी चना जोर गरम अच्छा यार तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गोमती रिवर फ्रंट पे देख सकते हैं चंदू मेरे साथ है अभी योगेश भी आ रहा क्या आ रहा तो अभी जो है छोटा कजन ब्रदर वो भी आने वाला है अभी हालांकि उसकी ड्यूटी होगी लेकिन उसने बोला था कि जैसे ही तुम पहुंचोगे उधर गोमती रिवर फ्रंट में तो मैं भी आ जाऊंगा बोल रहा है तो अभी आता ही होगा पाँच से 10 मिनट में वह पहुँच जाएगा तब तक हम लोग जो है थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं तो लेकिन जब रात होती है ना यहाँ पे यहाँ का व्यू और ज़्यादा देखने लायक हो जाता है वहाँ से ना अच्छा 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 फर्स्ट टाइम मैं लखनऊ में आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम गोमती रिवर फ्रंट को भी देख रहा हूँ हालांकि मैंने टीवी में देखा है जब अखिलेश यादव रिवर फ्रंट पे घूम रहे थे तब मैंने देखा था तो मतलब सामने आंखों देखी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ आज ऑफिस वालों के लिए बनाई गई रात में या कोई वॉक करने है अच्छा वॉक करने के लिए ना क्योंकि इस टाइप से दिख रहा है मुझे पहले यहाँ बोर्ड भी चल रही थी अभी बंद कर दिया अभी क्यों कर दी बंद ऐसे एक दो पता नहीं कोई कारण ये तो गलत है ना हम आए हैं चंदो ये नदी है या दलदल है? है ये बात ये है ये पहले तो पानी साफ था अच्छा। लेकिन फिर क्या धीरे धीरे जो पूरा शहर का गंदा पानी अच्छा यही आने लगा शहर का सारा गंदा पानी गोमती नदी में आता है गंदा नहीं मतलब कुछ जगह का कुछ पानी मतलब ना क्योंकि मुझे इसीलिए काला पड़ गया मुझे पूरा गंदा दिख रहा ना मैं तो बेसिकली ये नाइट में ना वॉक करने के लिए बनाया गया है नाइट में इसको देखने का और मजा आता है अभी जैसे जैसे अंधेरा होगा हाँ ये एकदम बराबर काट रहे हैं तो शायद योगेश छोटा कजन ब्रदर वो बाहर आ चुका है तो उसको लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी शायद हो सकता है वहीं से हम लोग दूसरी जगह जाएं घूमने के लिए इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं जैनेश्वर मिश्र पार्क जैनेश्वर मिश्र पार्क तो इसके बाद वहाँ जाएंगे वहाँ भी लाइटिंग वैसे अच्छी होगी ना बहुत बढ़िया आ गया अब हम तो यहाँ घूम गए जैनेश्वर मिश्र पार्क में चलते हैं बैठ हो जाता है यार बना दे अभी आराम से तो वहाँ पहुँचते ही हम लोग मिलेंगे आपसे आपका इतना सा काम है कि बस बने रहना वीडियो के साथ और गर्मी आप देख ही सकते हैं पसीने से मैं लथपथ हो चुका हूँ और ये भी लथपथ हो चुका है पसीने से भी
अब हम लोग आ चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क में, तो यहाँ की कुछ खास बातें हम लोग दिखाते हैं आपको। और पीछे से योगेश है भी। टैंक को छूना एवं चबूतरे पर चढ़ना सख्त मना है। यह है टैंक, देख सकते हैं आप। ये जो मेन गेट है ना, एक अंदर एंटर हुए और यहाँ पे देख सकते हैं फव्वारे निकल रहे पानी के। ये पूरा पार्क है, देखिए बहुत बड़ा पार्क है, एरिया तो बहुत बड़ी है इसकी। अब ये जनेश्वर मिश्र पार्क मैंने बोला, लेकिन ये नाम, इस नाम से इस पार्क का नाम क्यों रखा गया मैं बताता हूँ आपको। समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर थे ना, उनका नाम है जनेश्वर मिश्रा, उनकी मूर्ति स्टैचू यहाँ पे है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। उन्हीं के नाम पे पार्क, हाँ उन्हीं के नाम पे ये पार्क है। तो सुबह सुबह यहाँ घूमने आते थे। अच्छा, तीन सौ एकड़ में बना है पार्क पूरा है, चार घंटे चाहिए घूमने के लिए। हाँ, इनके नाम से है पार्क। हमारे पूरे देश में आज मैंने पहला ऐसा एक पार्क देखा जहाँ पे म्यूजिक की हल्की हल्की धुन बज रही है। मतलब यहाँ का माहौल जो है ना, एकदम प्यारा बनाने के लिए हल्की सी धुन बज रही है यहाँ पे। तो इस पार्क के बारे में चंदू कुछ बताएंगे आपको, जो खास बात है यहाँ की। ये बेसिकली जो पार्क बना था, अच्छा अच्छा, वो बना था जो है घूमने के लिए, शाम को वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए। अच्छा, मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए। हाँ, अच्छा। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो है इतने कपल्स वगैरह हैं, कपल्स आते हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने प्लेस कर दिया बेकार। हाँ हाँ, बेकार मतलब ये कर दिया, बाकी लोग आ नहीं पाते, वही लोग। अच्छा अच्छा, उन्हें देख के मतलब बाकी लोग नहीं आ पाते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों की वजह से हमारे देश की जो परंपराएं हैं, या कह सकते हैं कि जो रीति रिवाज है ना, वो खराब हो रहे हैं। इनसे हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है, जो हमारा कल्चर है ना, जो संस्कृति हमारी, वो बर्बाद हो रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पार्क में आइए, लेकिन इस टाइप की अश्लीलता मत फैलाइए, ये जनहित में जारी है। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से मानसिक नुकसान तो होता ही होता है, शारीरिक नुकसान भी होता है, और साथ में सबसे बड़ी चीज़, संस्कृति बर्बाद हो रही है हमारी। तो इस मुद्दे पे हमें पूरे समाज को सोचने की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली में मैं गया था, लेकिन वहाँ पे मैं सेंट्रल पार्क आपको दिखा नहीं पाया था। वहाँ पे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। लेकिन अभी तक ना तो गवर्नमेंट कुछ करती है, ना तो पब्लिक कुछ करती है, मतलब सब देखे रहते हैं। तब चंदुआ कहना है कि जो इस मतलब 300 एकड़ की एरिया, एक तो एरिया का पैसा अलग है, जो इसमें डेवलपमेंट हुआ ना, इसे डेवलपमेंट भी नहीं बोलेंगे, टाइम पास के लिए जो जगह बनाई है ना, तो इन पैसों से एक अच्छी खासी एक इंडस्ट्रियल एरिया बन सकती थी। ये फालतू का पैसा जितना इसमें खर्चा हुआ है, अगर इसकी जगह कुछ आईटी सेक्टर डेवलप कर देते, बिल्कुल, या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया डाल देते, हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहता, लड़कों को रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी कम हो जाती। नहीं, इससे क्या हो रहा है, अश्लीलता फैल रही है, कपल्स यहाँ पे आ रहे हैं। बस ये है कि पार्क में अरबों रुपए खर्चा कर रखे। हाँ वही तो। ये पानी का फव्वारा देखिए आप, कितना बड़ा आ रहा है, देखिए दो है यहाँ पे, बड़े डेंजर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये तो ये है कुछ रात का नजारा, ये गाड़ी है पूरा पार्क घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम देना यार, आइसक्रीम सार देना, साठ दस अस्सी, ठीक है भैया, ओके। अभी आएगा, बाद में आएगा, हमने स्कूटी यहाँ पे लगाई है ना, हम लोग जाएंगे अब स्कूटी में, और योगेश तो बाद में आएगा 9-10 बजे के बाद, क्योंकि इसकी मीटिंग है शायद ना, मीटिंग में जा रहा कहीं है। थोड़ा आइसक्रीम का हम मजा ले लेते हैं। एक
गोमती रिवर फ्रंट वाली रोड है, जहाँ जहाँ हम घूमने जाने वाले ये, थे। ये फेमस चौराहा है 1090। अब हम लोग जा रहे सीधे घर। आज तो खाने के साथ मोमो भी हैं। कौन लेके आया? योगेश लेके आया। नॉनवेज भी है क्या या सिर्फ वेज? वेज ही वेज। नॉनवेज गर्मी में खाना भी नहीं चाहिए। सही है, निकालो इसमें मोमोज। डाउन टू अर्थ आदमी हूं, बैठ के खाता हूं जमीन में। योगेश भाई लाए लाल चटनी। लाल चटनी तो ये है, लौकी की सब्जी, आलू, शिमला मिर्च की सब्जी, दही। खा लेते हैं खाना। मोमो। तो दोस्तों अब करते हैं ब्लॉग का एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।